सीसी रैप रजिस्ट्रेशन कैसे करें और साथ में ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिलाएं, हम घर बैठे एग्जाम कैसे दिला सकते हैं। ठीक है, तो सीसी में रैप रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें हम जो जैसे SBI इंश्योरेंस है और बहुत सारे जो LIC है और इसमें HDFC है, ICICI बैंक, बहुत सारे जितना भी इंश्योरेंस के एजेंट आप बन सकते हो, इसमें रैप रजिस्ट्रेशन दिलाकर आप सर्टिफिकेट डाउन मतलब पास करके, अब सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप कहीं भी या किसी भी इंश्योरेंस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी गाड़ी का, बाइक का या कार का, कुछ भी का जो इंश्योरेंस हम जो चीज होता है वो हम सभी चीज इंश्योरेंस कर सकते हैं। ठीक है, सीसी के थ्रू जितना भी इंश्योरेंस होता है हम अपने पोर्टल पर कर सकते हैं। इसका रैप रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है, रैप का आईडी आपको पासवर्ड मिल जाता है और एक सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें और रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इसका फीस क्या है, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसमें रजिस्ट्रेशन करके हम एग्जाम कैसे दिलाएं और इसका, ठीक है, एग्जाम कैसे दिलाना है और इसका कंप्लीट क्या बोलता है, जिससे कि हम एग्जाम दिलाने दिलाएंगे तो इसमें असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट को पहले हम कंप्लीट करना है। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको मेन एग्जाम में जाना है और मेन एग्जाम दिलाकर आपको आपको यहाँ पास हिंदी इंग्लिश दोनों दिया जाता है और इसमें आप दोनों में से एक ले चूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम दिलाने में आपको 35 नंबर आपको लाना है, अगर 35 से 40 ऊपर आ जाता है तो आपको ठीक है, अगर 35 से नीचे आते हैं तो आप फेल हो सकते हो। ठीक है, 2 बार चांस दिया जाता है इसमें, और इसमें हम जैसे कि एग्जाम तो पास कर लेते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको अपडेट हो जाता है कि अब सीएससी रैप जो रैप है वो आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे आप किसी भी इंश्योरेंस कर सकते हो, बीमा कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन व आंसर की बात है, तो क्वेश्चन आंसर की बात है तो हम मैं आपको क्रोम में बता दूंगा कैसे कौन सा आंसर आता है, कौन सा क्या है। और असाइनमेंट, असाइनमेंट से जितना भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि 100 क्वेश्चन होता है असाइनमेंट में, उसमें से कम आपको 200 क्वेश्चन रहते हैं असाइनमेंट में, उसमें से 100 जो 50 क्वेश्चन आपको 100% मिलता है जो आपको मेन एग्जाम में रहता है, वही जो असाइनमेंट होता है क्वेश्चन वो मेन एग्जाम में आता है वो जो 50 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है, वहां से हम देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम दिलाएं। ठीक है, इसमें ना तो टाइम रहता है ना तो आपको कुछ भी, आपको सिर्फ मेन एग्जाम दिलाओगे तो आपको 1 घंटे से 1 घंटा का कुछ लगभग टाइम मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसको प्रोसेस देखते हैं और एग्जाम कैसे दिलाना है इसका भी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीएससी वाली जो है कुछ कमेंट भी किए हैं कि सीएससी में अभी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं डैशबोर्ड पर। ठीक है, डैशबोर्ड पर सीएससी जो पोर्टल है वो डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रहा है जो सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन अभी कुछ जो है वो सीएससी उसमें काम कर रहे हैं तो इसमें हटा दिए है, अभी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीधा क्रोम में जाकर सर्च कर सकते हैं सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन करके, अगर आपको वहां से नहीं मिलेगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या वहां से एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, तो फिर हम सिस्टम में चलते हैं, अपने सिस्टम पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और इसका अपने सिस्टम में आ जाना है। इसके बाद क्रोम ओपन करके यहाँ पर सीएससी पोर्टल पर आ जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड में, इसके बाद यहाँ पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे सी रैप करके। ठीक है, यहाँ पर 9 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और रैप करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस रैप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यह इसमें क्या है, अभी पोर्टल इसमें हटा दिया है, कोई सीएससी में भी काम चल रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट सीधा क्रोम में जाकर हम गूगल से सर्च करेंगे सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे तो हो नहीं रहे तो हम गूगल क्रोम से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सीएससी रैप करके हम सर्च करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीएससी इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनपीएस और इसमें आईएएस के रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और रैप का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको डैशबोर्ड में अगर सीएससी पोर्टल पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या एग्जाम दिला सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम दिलाना होगा तो आप लॉगिन करना है यहाँ से, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। ठीक, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीएससी आईडी और आपको पासवर्ड और आपको कैप्चर मांगे गए हैं। ठीक, इसके बाद आपको साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको आपका जो
रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा रैप का, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर, इसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको CSE ID पहले से अपडेट रहेगा, इसमें आपका नाम भी अपडेट रहेगा, ईमेल ID और आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब चीज अपडेट रहेगा पहले से, ठीक है। और यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल खुल जाएगा, और जैसे कि यहाँ पास दिख रहा होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पास पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जो नाम होता है, ईमेल ID होता है, ये आपको यहाँ पर फिल कर पहले से अपडेट रहेगा, और फादर से नेम यहाँ से आपको क्लिक टाइप करना है, ठीक है। अपना मदर्स नेम भरना है, और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आप जेंडर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। और इसमें आपको फिर जैसा, ठीक है, आपको हिंदी, मुस्लिम जो भी है उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी जो भी ST SC आपको आता होगा उसमें आपको, ठीक है। और जो फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो 20 से 40 KB के बीच रहता है, ठीक है, इसको अपलोड करना रहेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना पढ़ाई किया है ये आपको यहाँ पर, या 10वीं 12वीं या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपको यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फिल करना है पूरा, ठीक है, जो भी आपको एड्रेस आएगा यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पास मैं अपना ठीक है बिलासपुर है तो बिलासपुर में डाल दिया, यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत का नाम डालना है और अपना एड्रेस पूरा फिल करना है, ठीक है। पिन कोड डालना है आपको, इसके बाद यहाँ पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आपको जो ID प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड दे देना होगा, ठीक है, आधार कार्ड है इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID, तो हम आधार कार्ड के लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास अपना जो आधार कार्ड नंबर होता है 12, उसको यहाँ पास टाइप करना है, और इसके बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। 75 KB के बीच होना चाहिए आपका जो आधार कार्ड, ठीक है। इसके बाद पैन कार्ड यहाँ पास नंबर आपको टाइप करना है, उसका पैन कार्ड का नंबर होता है वो, और यहाँ पास अपलोड करना है आपको 75 KB में, ठीक है। और यहाँ पास जो होता है एजुकेशन के लिए, आपको जो पढ़ाई कितना किया है, या जो आप यहाँ पास आप फिल किए होंगे ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पास अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसेस पे पर आपको क्लिक करना है, प्रोसेस पे पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वॉलेट CSE Digital से पोर्टल पर ले जाएंगे, और वहाँ से वॉलेट में आपका कटेगा 350 रुपया, कुछ रुपये चार्ज आए इसका, ठीक है। इसमें ऑफर ऑफर चलता रहता है, अभी ऑफर तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें 350 कुछ रुपये चार्ज है आपको, इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप पे कर सकते हो, और इसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम आपको एक जो CSE का है, इसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करके, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर आपको उसके बाद सबमिट करने के बाद, आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर से आपको अपना CSE ID पासवर्ड फिर से लॉगिन करना है, और उसके बाद एग्ज़ाम दिला सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका ID पासवर्ड वही रहेगा जो CSE ID रहता है, और पासवर्ड वही, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पास मैं क्या है, पहले से मेरा कंप्लीट है, मैं एग्जाम दे चुका हूँ और मेरा सर्टिफिकेट भी पास कर लिया हूँ, ठीक है, इसमें कंप्लीट दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सर्टिफिकेट है, पास हो गया हूँ, रिजल्ट भी मैं इसमें, ठीक है, ये आपका। इसके बाद इसमें क्या है, एग्जाम आपको दिलाना है जिसे, तो यहाँ पास आपको क्लिक करना है, और एग्जाम दिलाते हो तो यहाँ पास आपको आपका असाइनमेंट दिखेगा, मेरा क्या है असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है इसलिए सक्सेसफुल है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो करेगा असाइनमेंट 10, आपका 10 पेज का रहेगा, आपको 10 पैराग्राफ में रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ आपको बैंक या इंश्योरेंस के बारे में आपको पूछा है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हर चैप्टर में, और इसके बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट भी दिख जाएगा कि आप कितना नंबर असाइनमेंट और मैक टेस्ट के लिए, ठीक है, जिसे यहाँ पास मैं 35%, ठीक है, यहाँ पास पास हूँ, और यहाँ पास मैं 100 क्वेश्चन था, इसमें से 35 क्वेश्चन सही किए हूँ, ठीक है, इसमें से, और ठीक, और इसमें जैसे कि एग्जाम आपका यहाँ पास एग्जाम के लिए
जो मेन एग्जाम होता है हम लोग का, असाइनमेंट कंप्लीट करके हम यहीं से डायरेक्ट सीधा मेन नीचे में दिखेगा उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, असाइनमेंट को। उसके बाद आपको नीचे में मेन एग्जाम दिलाना होगा, ठीक है, और तुरंत आप दिला सकते हो, असाइनमेंट कंप्लीट करके आप एग्जाम दिला सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात आता है तो सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद आपको अपना डिटेल्स देखना है, माई डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हो, ठीक है। जिसके यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात आता है तो सर्टिफिकेट यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक, ये सर्टिफिकेट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और ये, ठीक है, यहाँ पर गेट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और आप जैसे कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन है जो हम एग्जाम दिलाते हैं, तो क्वेश्चन कैसा आता है और इसमें आंसर क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूंगा नीचे में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा और यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर है ये आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, ये 100 में से 100% की 50% आपका सही रहता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब।